परिवार की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं शिप्रा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन सन 2000 में विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत 29 सितंबर 2000 में की गई थी। पूरी दुनिया में दिल के दौरे से हर साल 1 करोड़ से भी अधिक लोगों की मौत हो जाती है और इनमें से 50% लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अतः हृदय रोग मौत की एक अहम वजह बन चुका है, जिसके लिए जागरूकता होना बेहद आवश्यक है। इसकी शुरुआत के समय यह तय किया गया था कि हर साल सितंबर माह के अंतिम रविवार को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा, लेकिन 2014 में इसके लिए एक तारीख निर्धारित कर दी गई जो 29 सितंबर थी। तभी से प्रतिवर्ष 29 सितंबर के दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1962 को कोलकाता में बिरला तारामंडल खुला। ताराघर या तारामंडल या नक्षत्रालय एक ऐसा भवन होता है जहां खगोलिक व नाइट स्काई विषयक ज्ञानवर्धन व मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। ताराघर की पहचान अक्सर उसकी विशाल गुंबदनुमा प्रोजेक्शन स्क्रीन से होती है। भारत में 30 ताराघर हैं, इनमें से 4 जो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु व इलाहाबाद में स्थित है, जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। 4 ताराघर बिरला घराने द्वारा घोषित है, जो कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद व जयपुर में है। जनता के लिए इसका उद्घाटन 29 सितंबर 1962 को कोलकाता में हुआ था। एमपी बिरला ताराघर देश का पहला ताराघर है। आज ही के दिन सन 1959 में आरती सहा ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। आरती सहा ने 4 साल की कम उम्र से तैराकी शुरू की थी और उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल को पार कर दुनिया के लोगों को हैरत में डाल दिया था। फ्रांस में कैप ग्रिस ग्नेज और इंग्लैंड के सैंडगेट के बीच पड़ने वाली 69 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने महज 16 घंटे 20 मिनट में तय करके दिखाया था। आरती सहा ने अपने 6 साल स्टेट करियर में कुल 22 इनाम जीते थे। भारतीय डाक ने उनके जीवन से महिलाओं को प्रेरित करने के लिए 1998 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। 1960 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आरती सहा पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। आज के दिन सन 1932 में मशहूर अभिनेता महमूद अली का जन्म हुआ था। महमूद अपने जमाने के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब दिया गया। महमूद को फिल्मों में पहला ब्रेक 1958 की फिल्म परवरिश में मिला था, जिसमें उन्होंने राज कपूर के भाई की भूमिका निभाई थी। 1961 की ससुराल उनके करियर की अहम फिल्म थी, जिसके जरिए बतौर हास्य कलाकार स्थापित होने में उन्हें मदद मिली। अपने बहुमुखी अभिनय और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें बुलंदियां दी। उन्होंने कई फिल्मों में गीत ही नहीं गाए बल्कि फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया, जिसमें छोटे नवाब, भूत बंगला, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, दुश्मन दुनिया का, सबसे बड़ा रुपया आदि शामिल हैं। आज के दिन सन 1913 में डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले रुडोल्फ डीजल का निधन हुआ था। डीजल इंजन को दुनिया में लाने वाले इस शख्सियत का जन्म 18 मार्च 1858 में हुआ था। 28 फरवरी 1892 को रुडोल्फ डीजल ने अपने कंप्रेशन इग्निशन इंजन को पेटेंट कराया था। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल ने संसार को डीजल इंजन से रूबरू कराया। रुडोल्फ डीजल ने दुनिया को डीजल इंजन देकर उद्योगों और परिवहन में क्रांति लाए। लेकिन एक दिन रुडोल्फ डीजल आज के दिन 29 सितंबर 1913 को बेहद रहस्यमय दुनिया से अलविदा कह गए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी द्वारा 29 सितंबर दिन रविवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है यश प्रतिष्ठा। मेष, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 81%। परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे। समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए समय उपयुक्त नहीं है। छात्रों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। ऋण भार से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। भारी स्थानों से हानि संभव है। रुके हुए काम बनने के योग है। शुभ रंग लाल, सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 52%। आपके मन में तनाव रहेगा। आपको समय उत्साहित रखेगा। सुबह में आवेश और क्रोध की अधिकता रह सकती है। कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलेंगे। कामयाबी आपके साथ होगी। यात्रा के योग हैं। शुभ रंग सफेद, लाल तथा निषेध रंग सिलेटी व काला। मिथुन, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 70%। आपकी कल्पनाशीलता चरम पर रहेगी। शारीरिक कमजोरी की जांच कराते रहे। आपकी आय बढ़ेगी। बेरोजगारों को नौकरी के लिए अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। शुभ रंग हरा, लाल तथा निषेध रंग पीला व सफेद।
कर्क, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 55%। नए सहयोगी मिलेंगे और आपका रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। वित्तीय मामलों से जुड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल दे। आपके खर्च बढ़ेंगे। प्रोफेशन में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मदद मिल सकती है। स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग नारंगी लाल तथा निषेध रंग हरा व काला। सिंह, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 91%। घर का माहौल शांति वाला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिक अच्छा फल मिलेगा। कोई शुभ समाचार संभव है। सेहत में मंदगति से सुधार होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अतरंग अथवा विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। नए मित्र बनने के योग हैं। शुभ रंग लाल गुलाबी सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। कन्या, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 71%। समय आपके लिए अनुकूल है। दूर की यात्राएं भी संभावित है। भाग्य को अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे। परिणामों का असर मिला जुला रहेगा। कुछ मोर्चों पर समझौता करना पड़ सकता है। आपका परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग मस्टर्ड सिंदूरी। तुला, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 42%। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कुछ नए कामकाज से आपको फायदा हो सकता है। कोई परेशानी आ सकती है परंतु आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। धार्मिक यात्रा को व्यस्तता के चलते निरस्त करना पड़ सकता है। निराशा रहेगी। संतति से संबंधित उपलब्धि से गर्व का अनुभव होगा। स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग लाल तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 76%। मित्र व संबंधियों का सहयोग प्राप्त होगा। कुसंगति से हानि हो सकती है। विशेषकर स्त्रियां सावधान रहें। किसी परिजन को लेकर भी चिंता रह सकती है। अनुकूल समय का लाभ उठाएं। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम न प्राप्त होने से निराशा के योग हैं। शुभ रंग लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग भूरा व काला। धनु, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 72%। करियर को लेकर नई योजना बनाएंगे। जल्दबाजी में अपना मोटा पैसा किसी गलत योजना में लगा सकते हैं। सब्र से काम लें। पेशेवर स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे। योजना बनाकर समझबूझ के साथ अपने कार्यों को करते जाएं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से सहयोग के योग हैं। शुभ रंग पीला बसंती लाल तथा निषेध रंग हरा व काला। मकर, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 46%। आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति आपको दैनिक जीवन से कुछ नया करने को प्रेरित करेगी। आपके लिए लाभकारी समय चल रहा है। नौकरी की दृष्टि से समय लाभप्रद रहेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा परंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी तथा निषेध रंग काला। कुंभ, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 47%। धन लाभ होगा। समय आपके लिए मिश्रित फल देगा। पहले की तुलना में ये समय अधिक बेहतर रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के योग है। भाग्य भी आपके साथ है। विशेष रूप से अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें। बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग गुलाबी तथा निषेध रंग सिलेटी। मीन, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 78%। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिलने के योग हैं। निवेश करते समय पूरी तरह सावधान रहे। व्यापार विस्तार की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल गुलाबी तथा निषेध रंग हरा व काला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय 5:34 से 7:18 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी से 0121266888 तथा 0983700600046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।